ऊंची है बिल्डिंग, ऊंचाई पर है बिल्डिंग, महंगी महंगी कार और दुकान है, लाखों करोड़ों के मकान हैं, सड़क पर निकलना है, घर से बाहर जाना है, कैसे निकलेंगे घर से, घर से, क्योंकि सड़कों पर जल जमाव है, ड्रेनेज व्यवस्था बदहाल है, निकम्मी सरकार है और स्थानीय प्रशासन भी बेकार है, करोड़ों का टैक्स देने वाले लोगों को जल जमाव से मुक्ति का इंतजार है, मुक्ति का इंतजार है, बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की मार से ऊंची बिल्डिंग, महंगी कार, सब बेकार है, सब बेकार है। जी हाँ दोस्तों, यह है मुंबई से सटे नालासोपारा पश्चिम का बारिश के दिनों का हाल। हालांकि ऐसी हालत देश के दूसरे शहरों और इलाकों की भी हो जाती है, जब भारी बारिश और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था की वजह से पानी की निकासी तेजी के साथ नहीं होती है। यहाँ नालासोपारा पश्चिम के कुछ इलाकों जैसे कि राहुल इंटरनेशनल स्कूल, रियान इंटरनेशनल स्कूल, पांचाल नगर, छेड़ा नगर, पाटनकर पार्क, हनुमान नगर, स्टार हॉस्पिटल, शनि मंदिर, अग्रवाल फिश गार्डन, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आसपास की ताज़ा तस्वीरें हैं, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये तस्वीर 22 जुलाई 2023 की सुबह 10 बजे तक की है। हर तरफ जल जमाव है, इससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, कार को सुरक्षित जगहों पर खड़ा किया गया है। यह है अग्रवाल क्रिस गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, स्टार हॉस्पिटल, शनि मंदिर के आसपास की तस्वीर। सड़कों के साथ साथ हाउसिंग सोसाइटी परिसर और दुकान में बारिश का पानी किस तरह से कहर बरपा रहा है आप देख सकते हैं। यह है छेड़ा नगर की तस्वीर।
यह हनुमान नगर की तस्वीर। यह है राहुल इंटरनेशनल स्कूल के आसपास की तस्वीर। यह है पाटनकर पार्क की तस्वीर। यह है रियान इंटरनेशनल स्कूल के आसपास की तस्वीर। यह है पांचाल नगर की तस्वीर। नालासोपारा के लोग भारी जल जमाव से मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि ड्रेनेज व्यवस्था को मुकम्मल किए बिना जल जमाव से मुक्ति संभव नहीं है। वो सरकार और स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछते हैं कि वो जो तरह तरह के टैक्स देते हैं उससे उनको सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द नालासोपारा पश्चिम के लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।